सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो खबर हर पल इंडिया। साबका अकाली मंत्री बिक्रम मजीठिया नूं अज हाई कोर्ट तों भी राहत नहीं मिली है। अज हाई कोर्ट च बिक्रम मजीठिया की जमानत अर्जी ते सुनवाई होनी सी, पर मजीठिया के वकील फिजिकल तौर ते अज हाई कोर्ट च पेश नहीं हो सके, जिसके चलते उन्हां दी जमानत अर्जी ते हुण अदालत वल्लों 5 जनवरी का समा तय किया गया। हुण 5 जनवरी नूं मजीठिया की अगाहों जमानत अर्जी ते सुनवाई होवेगी। मजीठिया के वकील दमनवीर सोबती मुताबिक मजीठिया की तरफों सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने पेश होना सी, पर वह फिजिकली पेश नहीं हो सके। अदालत ने उन्होंने फिजिकली पेश होने लिए कहा सी, इसलिए सुनवाई की अगली तारीख मंगी गई सी, जो हुण 5 जनवरी दी गई है। दस दईए कि मजीठिया ने अपने वकीलों राही हेठली अदालत विच अगाहू जमानत की अर्जी रद्द होने मगरों हाई कोर्ट का रुख तय किया सी। मजीठिया नूं नशा तस्करी मामले विच नामजद किया गया है, वह केस दर्ज होने मगरों रूपोश हो गए हैं। हुण जदों कि अदालत ने मजीठिया की अर्जी से सुनवाई 5 जनवरी तक टाल दी है, तो इस नाल मजीठिया दीयां मुश्किलां वध सकदियां हन, क्योंकि पुलिस उन्हां दी गिरफ्तारी लई लगातार छापेमारी कर रही है, तो पुलिस किसी भी वेले मजीठिया नूं गिरफ्तार कर सकती है। इस तों पहलां उन्हां खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया गया सी, तां जो उह विदेश ना दौड़ सकन। फिलहाल मजीठिया दी जमानत के उत्ते यह अज का वड्डा अपडेट है, उन्होंने हाई कोर्ट के विचों भी राहत नहीं मिली। हुण आने वाले दिनों के मजीठिया अते पंजाब सरकार के विचकार चल रही लुका छुपी जी है, वह कितों तक जाती है, यह वेखना दिलचस्प रहेगा।